नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वघेला फिर से आपके साथ हूं। दोस्तों, एज ए वेडिंग फोटोग्राफर, एज ए वेडिंग सिनेमाटोग्राफर, कई बार मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी सिनेमाटोग्राफी एक ही लेंस से करूं? यानी कि मैं जब वेडिंग सिनेमेटिक करता हूं तब मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आती है। जैसे कि अगर मुझे एनवायरमेंटल शूट करना है तो मुझे वाइड एंगल लेंस लगाना पड़ता है, अगर मुझे क्लोजअप शॉट्स लेने हैं तो मुझे टैली लेंस लगाना पड़ता है, या मुझे ओवरऑल शूट करना है तो मुझे किसी मिड रेंज का लेंस लगाना पड़ता है और बार बार गिम्बल को बैलेंस करना पड़ता है। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि एक लेंस में ही ये सारा काम हो जाए? क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि यही लेंस मुझे ट्रैवल वीडियो में भी काम में आए, व्लॉगिंग में भी काम में आए, या वीडियो पोर्टफोलियो में, या वेडिंग फोटोग्राफी में भी काम में आए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक बहुत अच्छा लेंस है जो है टैमरॉन का 2.8 का लेंस। और ये जो लेंस है वो बहुत लाइटवेट है, बहुत कॉम्पैक्ट है। ये सारी खूबियों को हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं, मतलब कि ऑन फील्ड इसका टेस्ट करेंगे और इसको देखेंगे कि इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो क्या है, फोकस कितना स्पीड में करता है, फोकस फॉलो की इसकी जो क्षमता है वो क्या है, और साथ में ही ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग ऑन फील्ड देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग रिव्यू करते हैं 2.8 टैमरॉन के लेंस का। और हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो लेंस है वो सोनी के ई माउंट में, यानी कि मिररलेस कैमरे के लिए बना है, जिसके कारण हमें बहुत अच्छे प्राइस रेंज में ये लेंस मिलता है। दोस्तों, ये रहा वो शानदार लेंस टैमरॉन 2.8। अब ये देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। तो ये सॉलिड प्लास्टिक से बना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लाइटवेट है, मतलब कि मुझे कैरी करने में, ट्रैवल करने में बहुत इजी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे गिम्बल पे बार बार बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी का कारण ये है कि काफ़ी लाइटवेट है, नंबर वन। नंबर टू, अगर देखने जाओ तो टैमरॉन के जो पुराने लेंसेस है उसी की तरह इसमें भी जो फोकस रिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और साइलेंट भी है, ताकि जब हम लोग शूट करते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आती है। इसके साथ साथ अगर जूम रिंग की बात करें तो इस पर जूम करने पर हल्का सा जो लेंस है वो बाहर आता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे जो शूट करने में काफ़ी इसमें आसानी रहती है। इसके साथ और एक चीज़, इस लेंस की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है लेंस का वेदर शील्ड, मतलब कि यहाँ पर लेंस का जो है वेदर शील्ड दिया गया है, जिसके कारण आपके कैमरे का सेंसर और लेंस के ऊपर जो डस्ट और मॉइस्चर से भी आपको काफ़ी जो है राहत मिलती है और ये आपको उसको सेफ रखता है। दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस पर कोई भी मैनुअल फोकस का स्विच नहीं है, मतलब कि आप इसको मैनुअल में डाल नहीं सकते हो, आपको इसके लिए कैमरे में जाके उसको मैनुअल मोड में डालना होगा। इससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, कुछ अच्छे सिनेमेटोग्राफर्स जो है वो पसंद करते हैं कि लेंस को जो है वो मैनुअल में रखे और कई सारे शॉट्स जो फोकस शिफ्ट के होते हैं वो मैन्युअली करना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसमें इमेज स्टेबिलाइजर भी नहीं है, हालांकि मैं मानता हूं कि 2875 में आपको इमेज स्टेबिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप गिम्बल यूज़ करते हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल के ज़्यादातर जो हमारे मिररलेस कैमराज है वो इनबिल्ट स्टेबिलाइजर के साथ आते हैं। लेकिन एक चीज़ है, हाँ, अगर आप इस लेंस को क्रॉप बॉडी पे लगाते हो, क्रॉप सेंसर पे अगर यूज़ करना चाहते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अदरवाइज़ अगर आप 28 से लेकर 75 तक अगर काम करते हो तो आपको इमेज स्टेबिलाइजर की ज़रूरत मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑटो फोकस की। तो इसका जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है, मतलब कि खास करके जब हम किसी सब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं उस समय ये फोकस बहुत स्मूथ करता है, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसका फोकस फास्ट भी है, मतलब कि अगर आपके फ्रेम में कोई इमीडिएटली अगर कोई सब्जेक्ट एंटर करता है तो वो बहुत फास्टली उसको फोकस करता है। इसके अलावा इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिसका नाम है MOD, मतलब कि मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये MOD के कारण मुझे क्या फ़ायदा होता है, कुछ नए कंपोजिशंस मुझे देखने को मिलते हैं, मतलब कि मैं बहुत पास जाके बहुत अच्छे शॉट्स बना सकता हूँ। खास करके जब हम लोग ब्राइडल शूट करते हैं तो ब्राइड के जो ऑर्नामेंट्स है उसके क्लोजअप शॉट्स बहुत अच्छे से ले सकते हैं। या मैं कुछ शॉट्स ऐसे बताना चाहूंगा आपको कि मैंने एक बार एक ब्राइड की
आई का क्लोजअप लिया था, मतलब कि उसका जो आई बॉल है उसका मैंने क्लोजअप शॉट लिया था। बहुत शानदार तरीके से ये लेंस मुझे ये सब कुछ शूट करने की परमिशन देता है। दोस्तों अगर इमेज क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी जो इमेज क्वालिटी है बहुत शानदार है, जिसमें आप देख सकते हो। तो अगर बैरल डिस्टॉर्शन और जो है क्रोमेटिक एब्रेशन बहुत कम आता है, जिसका मुख्य कारण है इसमें लगे लो डिस्प्रेशन तथा एक्स्ट्रा लो डिस्प्रेशन ग्लासेस। उसके साथ साथ अगर इसकी जो आई ऑटो फोकस की बात करें, क्योंकि अब मैं इसको ज़्यादातर यूज करता हूँ मेरे सोनी 7M3 में, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है। इसकी शार्पनेस की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि ये जो बहुत ही क्रिस्पी क्लियर हमें शार्पनेस मिलती है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है f2.8। अगर f2.8 की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में कितना खूबसूरत बोके क्रिएट होता है। इस लेंस को मैं अपने वेडिंग पोर्टफोलियोज में यूज़ करता हूँ, इस लेंस को मैं अपने वेडिंग सिनेमाटोग्राफी में यूज़ करता हूँ, इसको मैं अपने फैमिली शूट्स में यूज़ करता हूँ, मतलब कि मेरे हर जगह पर इस लेंस को बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो इंडियन वेडिंग फोटोग्राफर्स है उनके लिए ये लेंस एक वरदान रूप है। बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये बहुत अच्छा लेंस मिलेगा। तो दोस्तों इसके द्वारा कुछ भी अगर इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे ज़रूर ज़रूर इसमें लिखिए, और मैं इस फुटेज की जो कुछ कॉपीज़ है वो मैं लिंक में भेजता हूँ, जिसको आप डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि इसकी इमेज क्वालिटी क्या है, और आपका भी रिव्यू दीजिए।